लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने सीए लागू कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जिस सीए को बीजेपी सरकार मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, वही अब उसके लिए चुनावों में हार का कारण बन सकता है। वो कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर सीए देश भर में लागू कर दिया, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब इस कानून पर लोगों के विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। बात अगर असम की जाए तो यहाँ सीएए के लागू होने के बाद असम के कई संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। असम के सबसे प्रभावी छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने तो इसकी कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया और कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। बता दें कि आसू के इस विरोध आंदोलन में 30 जनजातीय संगठन भी शामिल हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो सीएए का विरोध करने की घोषणा ही कर दी है और कहा है कि ये कानून बंगाल के दोबारा विभाजन और देश से बंगालियों को खदेड़ने का खेल है। हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय ने इस पर खुशियां भी जताई हैं। बताते चले कि 2011 के जनगणना के अनुसार असम की 3 करोड़ 12 लाख आबादी में 70 लाख से ज्यादा हिंदू बंगाली हैं। राज्य में असमिया हिंदुओं के बाद बंगाली हिंदू दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है। ऐसे में बीजेपी सीए के जरिए असम में हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी है, लेकिन दिख रहे विरोध को देखकर लग रहा है कि कहीं ये कानून बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।